Back everyone, today we will be discussing about the worksheet that I sent you. Basically the solution of this worksheet, this is a worksheet of chapter 15, that is probability only. तो इसमें हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले के ऊपर फोकस करेंगे, दैट इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू, आई विल राइट हियर, नंबर ऑफ favorable cases or outcomes divided by total number of outcomes or cases, whatever you can write. So इसी formula की हम बात करेंगे. Now first question says that there are 35 students participating in a debate, जिनमें से 10 girls हैं. नाउ आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि विनर जो है वो बॉय हो. पहले ये तो पता चले कि विनर्स हैं कितने. टोटल स्टूडेंट्स 35 हैं, गर्ल्स 10 हैं, देन बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बाकी जो बच गए दोनों को माइनस कर दो, 25 नंबर क्या आ जाएगा बॉयज़ का. तो अगर 25 बॉयज़ हैं तो आर फेवरेबल, हमें विनर कौन चाहिए, बॉय चाहिए ना. सो आर फेवरेबल केसेज विल बी 25, पहले फॉर्मूला लिखोगे उसके बाद ये लिखोगे, डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स 35. नाउ 5 5s are 25, 5 7s are 35, सो 5/7 विल बी योर आंसर. नेक्स्ट इज देयर आर 5 बॉल्स ईच ऑफ कलर वाइट ब्लू ग्रीन रेड येलो. तो आपके पास एक बैग है जिसमें 5 वाइट कलर की बॉल्स हैं, 5 ब्लू कलर की बॉल्स हैं, 5 ग्रीन, 5 रेड एंड 5 येलो कलर की बॉल्स हैं. तो टोटल आपके पास कितनी बॉल्स हो जाएंगी, 5 5s are 25, ठीक है, 5 कलर है तो टोटल आपके पास 25 बॉल्स हैं. नाउ इफ वन बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द रेंड, देखिए इनको 25 कैसे, 5 5 10 15 20 एंड 25, टोटल बॉल्स 25 हो गई, हर कलर की 5 5 थी. अब उनमें से अगर आप एक बॉल बाहर निकाल रहे हो, देन वॉट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट इट इज़ रेड. तो रेड वाली हमारी फेवरेबल हो जाएंगी, रेड वाली है कितनी, 5, तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल केसेस 5, टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, टोटल बॉल्स तो 25 है, 5 1s are 5, 5 5s are 25, सो दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट इज सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ अ ट्रायल. जैसे हमने बात करी थी, अगर हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, हेड एंड टेल. अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल लोगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाल लोगे, दोनों को जब प्लस करोगे देन यू विल गेट 1. अगर हम बात करें डाई की, तो हम 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, 2 आने की निकाल लें, ऐसे करते करते 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के जितने भी इवेंट्स हैं अगर सबको प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1. तो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्री केसेस, तो वो क्या होता है, हमेशा 1. तो योर करेक्ट आंसर विल बी डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ अ ट्रायल. किसी भी ट्रायल इवेंट, कोई भी इवेंट, अगर से आप डाई को रोल कर रहे हो देन दैट इज़ योर इवेंट, और अगर आपने एक बार रोल करा तो वो उसका ट्रायल हो गया इवेंट का. तो अब आपने बताना है कि अगर आप एक ट्रायल ले रहे हो किसी भी इवेंट का तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोबेबिलिटी लाइज इन द स्केल ऑफ 0 and 1, ये हमारी नंबर लाइन चल रही है से -1 -2, तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो इसी रेंज में आएगी, बस इससे आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 0 से छोटी नहीं हो सकती. सो योर आंसर विल बी लाइज बिटवीन 0 and 1, बोथ इंक्लूसिव. बोथ इंक्लूसिव का यहाँ पे क्या मतलब है कि आंसर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, इनको हमने इंक्लूड करना है, राइट. तो 0 किस केस में आता है, अगर आपको पता हो, इम्पॉसिबल इवेंट्स में. 1 कब आता है, श्योर इवेंट्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन वंस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन द डाई इज. अब एक डाई को रोल कर रहे हो तो उस पर तो आपके टोटल केसेस 6 हैं. अब इन्होंने फेवरेबल जो पूछे हैं दैट शुड बी अ प्राइम. तो प्राइम कितने हैं, प्राइम कौन से होते हैं, जो जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ जो सिर्फ दो टेबल्स में आते हैं, एक खुद के टेबल में और एक 1 के टेबल में. जो 1 है वो प्राइम नहीं होता, वाई, बिकॉज 1 सिर्फ एक ही टेबल में आता है, अपने टेबल में, ठीक. बट 2 दो टेबल्स में आता है, एक 1 के टेबल में, एक 2 के टेबल में. 3 भी दो टेबल्स में आता है, 1 एंड 2 के टेबल में.
फोर जो है वो वन के टेबल में भी आता है, टू में भी आता है, फोर में भी आता है, तो इसके फैक्टर्स दो से ज़्यादा हो गए, सो दिस इज़ नॉट अ प्राइम। अगेन फाइव विल बी प्राइम क्योंकि वो वन एंड फाइव के टेबल में आता है बस। सो हमारे पास तीन प्राइम हो गए, टोटल कितने नंबर थे, सिक्स। थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, सो वन बाई टू विल बी द करेक्ट आंसर। द मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब हमने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी जीरो से लेके वन के बीच में लाए करती है, तो जो मिनिमम वाली वैल्यू है वो कितनी है, कम से कम दैट इज़ ज़ीरो। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस, अगर आप किसी एक्सपेरिमेंट को एक बार कर रहे हो देन वी कॉल इट एज ट्रायल। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर दैन सिक्स फॉर अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, अब अगर आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो, लूडो वाली डाई जिस पे आपकी सिक्स तक की काउंटिंग लिखी होती है, अगर आप इसको थ्रो कर रहे हो तो आपने बताना है कि जो नंबर है वो छः से बड़ा आना चाहिए, बट उसमें तो छः तक काउंटिंग होती है तो ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो आ जाएगी। या फिर आप इसको अगर सॉल्व भी करो तो फेवरेबल केसेस तो कोई नहीं है, ज़ीरो, टोटल केसेस सिक्स, तो ज़ीरो अपॉन समथिंग इज़ ऑलवेज ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जिस इवेंट का आपको पता है कि होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होती है, राइट ये हम कर चुके हैं। नाउ जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक क्विड दस डाई की जिसकी सिक्स फेसेस होते हैं, वैसे ही वी आर हैविंग अ टेट्राहेड्रन जिसके चार फेसेस हैं और चारों पे ही क्या लिखा हुआ है, ऐसे करके एक टेट्राहेड्रन है, अगर आप समझ पाओ तो इसके पीछे भी एक फे एक ट्रायंगल इसके पीछे बनी हुई है और एक नीचे है, राइट। तो अब आपने क्या करना है, इसकी चार साइड्स हैं, अब अगर आप इसको द नंबर, इस पे जो नंबर्स लिखे हैं वो हैं वन टू थ्री एंड फोर, एक फेस पे वन लिखा है, दूसरे पे टू, नीचे वाले पे थ्री, पीछे वाले पे फोर, राइट। तो अगर एक हम ट्रायल कर रहे हैं जिसमें इसको रोल करना है, देन हमने जो नंबर फेस नीचे आ रहा है, बॉटम पे आ रहा है, उसका हमने नंबर नोट करना है, दैट इज़ किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ऑफ फोर, मतलब जो नीचे बेस है आपका उस पे फोर आना चाहिए, ठीक। तो अगर उस पे फोर आएगा तो कितनी बार फोर लिखा है, पहले तो हमें ये चेक करना है, चार बार, एक ही बार लिखा हुआ है बिकॉज चार तक काउंटिंग है, तो फेवरेबल केस तो एक है, टोटल केसेस फोर हैं, सो वन बाई फोर विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब आपको पता है किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं तो वो ज़ीरो से छोटी नहीं हो सकती, वन से बड़ी नहीं हो सकती, सिर्फ इसी के बीच होती है। अब अगर आप टू बाई थ्री को चेक करो, टू को थ्री से डिवाइड करके हम देख लेते हैं, थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, डेसीमल लगा के हम यहाँ पर ट्वेंटी कर लें, थ्री सिक्स ज़ा एटीन, फिर डेसिमल लगा हुआ है टू, ये करते भी रहोगे तो 0.6 समथिंग आ रहा है, मतलब ज़ीरो से बड़ा आ गया, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक, ज़ीरो से बड़ा आ गया, सॉरी यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ज़ीरो से बड़ा है और एंड वन से छोटा है, तो ये तो हो सकता है। ज़ीरो प्रोबेबिलिटी भी किसी की हो सकती है, वन भी हो सकती है। अब थ्री बाई टू नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज वेन यू विल डिवाइड थ्री विद टू, थ्री वन ज़ा थ्री, सॉरी टू वन ज़ा टू, वन रिमाइंडर डेसिमल लगा के इसको ज़ीरो, टू फाइव ज़ा टेन, सो ये 1.5 हो गया जो कि वन से बड़ा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब हमने जो ये डिस्कस करा है सारा, उसमें हमने एक क्वेश्चन करा है प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट दैट इज़ वन, राइट, वेयर इज़ द क्वेश्चन, येस। और उससे पहले हमने जो क्वेश्चन करा है उसमें था कि नंबर छः से बड़ा होना चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो वो इम्पॉसिबल है, दैट इज़ ज़ीरो। तो अगर इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, देन आल्सो यू हैव टू राइट इट एज ज़ीरो। तो मैं अब इसको सारा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिखा देती हूँ पूरी वर्कशीट का, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर टू मैच योर आंसर्स, और अदरवाइज मैं आपको जूम करके इसको एक एक करके भी दिखा देती हूँ, राइट। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, राइट। सो थैंक यू सो मच, विद दिस वी हैव फिनिश्ड विद आवर टर्म वन सिलेबस।
आई विल सी कि हमें कंटिन्यू करना है सिलेबस को या फिर वी शुड गो फॉर रिविजन बिकॉज योर टर्म वन इज़ अराइविंग. राइट, कीप प्रैक्टिसिंग साइड बाय साइड. थैंक यू.